रसायन विज्ञान टॉप 100 क्वेश्चन, जिसके 40 क्वेश्चन हम पहले ही दो वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रसायन विज्ञान के 100 क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन लेने वाले हैं वो सारे ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इस सीरीज़ का पार्ट थर्ड। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। दरअसल जब ये गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है तो इंसान लगातार हंसने लगता है, इसी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बिजली में लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो बिजली में जब भी आग लगती है, आप जानते हैं कि इसे हम पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी जो होता है वो लाइट का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। इस वजह से हम पानी से बिजली की आग को नहीं बुझा सकते, क्योंकि इससे हमको खुद को खतरा होगा। और इसी कारण बिजली से लगने वाली आग को पायरीन द्वारा बुझाया जाता है। अब ये पायरीन होता क्या है? पायरीन होता है CCl4, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें चार क्लोराइड के अणु और एक कार्बन का अणु मिलकर पायरीन बनाते हैं। इसी का यूज बिजली द्वारा लगने वाली आग को बुझाने में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr का यूज किया जाता है, ठीक है, AgBr यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। तो जो भी कैमरा वगैरह होते हैं उनके जो फोटोग्राफी प्लेट होती है उन पर पतली फिल्म चढ़ी होती है AgBr की, ठीक है, पतली परत होती है AgBr की, सिल्वर ब्रोमाइड की, और इसी के द्वारा ही फोटोज हम क्लिक कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पारा या मरकरी का निष्कर्षण किया जाता है। तो पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम HG से डिनोट करते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो इसका जो निष्कर्षण है वो सिनेबार से किया जाता है, यानी कि सिनेबार जो है ये इसका एस्क होता है मरकरी या पारे का। इसके अलावा पारे से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पारा या मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि रात के अंदर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिन के अंदर पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन रात के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने की वजह से पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। तो अगर कोई पेड़ के नीचे सोता है तो उसके लिए सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उनका भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज को तैयार करते हैं, जो कि पौधों का भोजन होता है, इसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल एक ऐसा लिक्विड होता है, एक ऐसा अम्ल होता है, या बोल सकते हैं एक ऐसा संरक्षक होता है जो कि फलों के रस को सुरक्षा प्रदान करता है, इन्हें खराब होने से बचाता है। इसलिए फलों के रस को सुरक्षित रखने में बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH, ठीक है, ये होता है सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसका pH मान होता है 14, मतलब कि ये पूरे जितने भी आज तक हमने तत्व खोजे हैं या फिर जितने भी हमने यौगिक खोजे हैं उनमें सबसे अधिक क्षारीय जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सबसे अधिक प्रबल क्षार के नाम से इसे जाना जाता है। इसका सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका pH मान 14 होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि pH स्केल पर 0 से लेकर और 14 तक मान लिखे होते हैं, जिसमें 0 की तरफ जब हम बढ़ते हैं
तो यहाँ पर अम्लीयता बढ़ती है, और जब हम यहाँ पर 14 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर 14 तक होता है और मिनिमम 0 तक होता है। तो 0 पे कोई भी पदार्थ सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है और 14 पे सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है, और यहाँ पर बीचों बीच नंबर 7 होता है जिस पर कोई भी चीज़ उदासीन होती है, जैसे कि जल। जल न तो क्षारीय होता है न ही अम्लीय होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो रबड़ के जो वल्कनीकरण की प्रक्रिया होती है उसके अंदर सल्फर को मिलाया जाता है। यहाँ पर आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि रबड़ की जो अभिक्रिया होती है, रबड़ को बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको वल्कनीकरण के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रबड़ को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वल्कनीकरण कहा जाता है, और इसमें मिलाया जाता है सल्फर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। एक ऐसा कण होता है जिस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, और ये जो तीनों कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये परमाणु से संबंधित हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यह उदासीन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन होता है उदासीन, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन ही एक ऐसा कण है जो आवेश रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो निकिल धातु का यूज किया जाता है। लोहे में मिश्रण किया जाता है निकिल का, जब इस्पात, इस्पात का मतलब होता है स्टील, ठीक है, तो स्टील को बनाने के लिए लोहे में निकिल मिलाया जाता है, तब जाकर स्टील तैयार होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जब उपचयन और अपचयन, यानी कि उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण होता है, तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं तो इनको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम जो होता है ये बिजली की इस्त्री, ठीक है। इस्त्री क्या होती है, बिजली की प्रेस जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो प्रेस होती है इसके नीचे की जो सरफेस होती है जिसको कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो ये गर्म हो जाती है, और इसी के द्वारा हम अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं। तो ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, इसके अंदर नाइक्रोम का तार लगा होता है जिसकी वजह से ये गर्म हो पाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऊध्रपातन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ठोस कपूर से सीधा वाष्प बनता है। ये सिर्फ हम कपूर की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि कोई भी ऐसा पदार्थ जब ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को ऊध्रपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, और यही होता है कपूर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, यानी कि इसके अंदर एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यातायात के साधनों से निकलने वाली हानिकारक गैस कौन सी होती है जिससे प्रदूषण होता है, तो वो यही होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यही वो गैस है जो कि वातावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था, यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मानव ने सबसे पहले रेयोन नाम के रेशे को निर्मित किया था जो कि कृत्रिम रेशा था, ठीक है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम, जो कि मानव द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो पेट्रोलियम से हमें पैराफिन नाम का मोम प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो ऐसा रेडियो आइसोटोप यानी कि ऐसा समस्थानिक कौन सा है जो कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है।
इसका सही उत्तर होगा कोबाल्ट 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का ही एक समस्थानिक होता है, जो कि रक्त कैंसर को हम ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं, तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो किण्वन एक ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और जो शराब का निर्माण होता है, ठीक है, शराब क्या होती है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका जो निर्माण होता है वो भी किण्वन अभिक्रिया ही होती है, और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसे आप याद रखेंगे कि किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और शराब का निर्माण भी एक किण्वन अभिक्रिया होती है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जो हमारी आज की वीडियो इस 100 क्वेश्चन सीरीज की तीसरा पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और आने बाकी हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, ठीक है, वेव फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत का मतलब होता है कि ये कण का व्यवहार भी दर्शाता है और ये तरंग का व्यवहार भी दर्शाता है, ठीक है। कभी कभी ये तरंग के रूप में सामने आता है और कभी कभी ये कण की तरह भी व्यवहार करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है, और इसकी जो तरंग प्रकृति है इसकी खोज डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति द्वैत होती है, यानी कि ये कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ये हमारे रसायन विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 3 था। तो यहाँ तक हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, आगे हम 40 क्वेश्चन और देखने वाले हैं, जो कि 2 पार्ट के अंदर आएंगे, यानी कि 2 वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।